भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के बयान पर कहा कि कांग्रेस रूपी जहाज अब बिखर कर टूटता और डूबता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अजय सिंह भी कह रहे हैं कि कोई नहीं सुन रहा है, शेडो मुख्यमंत्री सरकार चला रहे हैं, कांग्रेस के दबाव में प्रोटोकॉल का पालन भी करने में असमर्थ है, जो कि संवैधानिक व्यवस्था में ठीक नहीं है। भोपाल से नीरज विश्वकर्मा की रिपोर्ट। क्या सत्ता की चाबी है आप उसको लेते हुए? अरे साहब, मध्य प्रदेश के हाल आप देख रहे होंगे, मध्य प्रदेश दुरावस्था के दौर में है। मैंने कहा ना कि दिग्विजय सिंह से भी ज्यादा मध्य प्रदेश खराब हो गया है। जो उन्होंने इस मध्य प्रदेश की बदतर हालत की थी, उससे ज्यादा भी मध्य प्रदेश उस हालत में चला गया है। तो इसलिए मात्र एक चुनाव का विषय नहीं है जी, अब मध्य प्रदेश को बचाने का विषय है। मध्य प्रदेश के सारे रास्ते उन्होंने बंद कर दिए हैं। जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना में 8 लाख घर भेजते हैं गरीबों को सर पर छत देने के लिए, उनके हक को छीन करके 2 लाख घर वापस कर देते हैं, मैचिंग ग्रांट नहीं देते हैं, कहते हैं हम इनको घर नहीं देंगे। इससे दुरावस्था और क्या हो सकती है? गरीब का हक छीन रहे हैं आप। और मैं से एक ऐसे एक नहीं, पता नहीं कितने उदाहरण मध्य प्रदेश के अंदर हैं जो हमारी सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने जिस प्रकार से गरीबों के कल्याणार्थ जो काम किए थे, उन सारी योजनाओं को बंद करके गरीबों का हक छीनने का काम केवल और केवल इस सरकार ने किया है, और इन्होंने कोई काम नहीं किया। और एक और कहने लगे कि महिलाओं को भी शराब कैसे पहुंच सकती है, घर घर में शराब कैसे पहुंच सकती है, आउटलेट कैसे खोलेंगे, टूरिज्म पर तो और नंगा नाच करेंगे कि टूरिज्म में अलग आउटलेट खोलेंगे टूरिज्म प्लेसेस पर। आप क्या मध्य प्रदेश को बनाना चाहते हैं? मध्य प्रदेश की जनता अब इस बात के लिए तैयार है कि मध्य प्रदेश को अब और नहीं बिगड़ने देगी। प्रधानमंत्री आवाज़। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।